अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक BSI तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है, अलग से इस पर चर्चा की कोई जरूरत मेरी दृष्टि में नहीं। प्लीज माननीय LOP साहब, हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है, राष्ट्रीय शोक का विषय है। प्लीज प्लीज प्लीज।